गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चने की दाल और उड़द की दाल की कचौड़ी। सो गाइस चने की दाल उड़द की दाल मैंने धो भिगो के धोकर पीस लिए और पीसने के बाद इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है पेस्ट। अब दाल को फ्राई करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए गाइस मैंने आटा लिया है। कचौड़ी के आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2-3 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसका परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, 1 चम्मच समथिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हींग। हींग की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हींग डालनी है। जीरा 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार 2 टीस्पून, धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे दाल। अब इसको इस तरीके से चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून सौंफ पाउडर, 3 टीस्पून समथिंग डाला है। दाल इस तरह की से फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरा मिर्चा और धनिया। इस तरीके से आप गैस देख सकते हैं कि दाल फ्राई हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे। आटा जो है कचौड़ी का इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये फ्राई दाल तरीके से लोई ले लेंगे और इसके अंदर दाल रखेंगे और इस तरीके से परफेक्ट कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको बेल लेंगे। तो गाइस इस तरीके से कचौड़ी बना लेंगे। इस तरीके से परफेक्ट कचौड़ी बेल चुकी है। अब ये डालेंगे और इसको सेक लेंगे। तो आप गाइस देख सकते हैं किस तरीके से फूल चुकी है कचौड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं कचौड़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और इस तरीके से आप कचौड़ी बना सकते हैं। और कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।